तो सर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो मैं इतना लकी हूँ आज मेरे दोनों साइड पे मेरा मेरे दो मेरे स्ट्रॉन्ग वुमन है, मेरी करियर में, मेरी लाइफ में, मेरी मदर भी है इधर, मेरी वाइफ है। आपका क्या कहना है श्रीमती जी इस बारे में? हार चुके हैं, मुस्कुरा दी है, हंस रही है, पर घर पे बहुत ज्यादा घर पे ही इतना खतरनाक तरीके से डांटती है और अभी आप देख लीजिए मुंह से एक शब्द निकल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, 8 मार्च 1917 की बात है लगभग, वो जब जर्मनी में टेक्सटाइल वर्कर्स के अंदर और स्पेशली फीमेल वर्कर्स सभी लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था। हेलो दोस्तों, खमागणी, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह राठौड़ और आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोगों ने शानदार तरीके से होली मनाई होगी, सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। आज का ब्लॉग बनाने का मकसद कुछ खास है। आप सभी ने, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, या आप इसको अंतर्राष्ट्रीय नाम दे दीजिए, 8 मार्च आज तारीख है। और एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल जो सम्मान, जो दर्जा, जो रिकग्निशन आप बोल लीजिए, ये मिलना बहुत ही ज़रूरी है हमारी मातृशक्ति को, नारी शक्ति को। और इसी संदर्भ में हम लोग भी जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे एक छोटे से फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है हमने सभी बहनों के लिए, सभी माताओं के लिए, और उस हर महिला के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ये योगदान अपने परिवार को दिया है। और एक्चुअली देखा जाए तो इतना सारा बखान करने का ज़रूरत नहीं है कि मातृत्व शक्ति की पहचान क्या है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो हर किसी छोटे से छोटे पल से वो जुड़ी हैं। चाहे आप एक बेटे के रूप में देख लीजिए, चाहे आप एक पति के रूप में देख लीजिए, चाहे आप एक भाई के रूप में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि हर, वो कहते हैं ना कि एक बड़ी शानदार सी कहावत है कि हर सक्सेस के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता इसको, ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है हमारी आम जिंदगी में भी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि हिसाब से तो अगर आप अपने माताजी की बात करें या बहनों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं योगदान देती है हर एक की लाइफ में, चाहे छोटा सा पल हो और चाहे जिंदगी भर की खुशियाँ हो। बिना महिला के, बिना स्त्री के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, ये मौका है सेलिब्रेट करने का, आज उन सबको सम्मानित करने का। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी जल्द से जल्द एक इवेंट के लिए तैयार हुए हैं, छोटा सा इवेंट रखा है बट दिल में जगह एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए, एक बहन के लिए बहुत अथाह है, जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। और आप सभी लोगों के परिवार में ये कहीं ना कहीं आप खुद ये महसूस करते हैं। तो चलिए हमारे साथ दोस्तों, आज मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोस्तों, ये सभी के मन में कहीं ना कहीं सवाल होगा, हम सभी जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को, तो कहीं ना कहीं सबके मन में ये सवाल भी है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको जानकारी इसकी नहीं है, जानकारी नहीं होना कोई गलती नहीं है, बट थोड़ा सा जानकारी मैंने भी एकत्रित करी है जो आप सभी लोगों के लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो। तो लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, 8 मार्च 1917 की बात है लगभग, वो जब जर्मनी में टेक्सटाइल वर्कर्स के अंदर और स्पेशली फीमेल वर्कर्स सभी लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था रिगार्डिंग ब्रेड एंड पीस, मतलब शांति के लिए और रोटी के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कह सकते हैं कि एजिटेशन टाइप तो नहीं होगा, पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था और जिसमें वो पूरा का पूरा सिटी इन्वॉल्व हो गया था। तो ये उस समय पहली बार दुनिया ने महिलाओं को एकत्रित होने के बाद उनकी ताकत पहचानी थी। तो ये शुरुआत वहीं से है, और जिन्होंने या जिन नेत्री ने बोली है, जिस लीडर ने बोली, ये क्लैरा जेटकिंग करके उनका नाम था, जो जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, जिन्होंने सबसे पहली बार मेरे ख्याल से ये इस चीज़ के लिए झंडा बुलंद किया था कि कहीं ना कहीं किसी भी रूप में महिला को अपने अधिकार मिलने चाहिए। धीरे 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 आगे चीज़ें आगे चलती गई, और भारत में अगर आप देखें आधिकारिक रूप से या ऑफिशियल जिस चीज़ को बोल लीजिए, तो वो हम लोगों ने 8 मार्च 1975 को पहली बार
ये मनाया था और भारत में परिपेक्ष कुछ और भी जुड़ गए थे जिसके जिस किसी कार्य को करने के उद्देश्य होते हैं। तो इनमें उद्देश्यों में बहुत सारी चीज़ें जब आप समझ सकते हैं कि जब भारतीय संस्कृति में आप मान लीजिए कि जहाँ पे हर भगवान के अंदर नारी को बहुत ही एक उच्च स्थान दिया गया था। कालांतर में धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं और कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, ऐसे शब्द हमको सुनने को मिले। तो ऐसे ही कुछ शब्दों को लेकर एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि इन सब की चीज़ों को हटाने के लिए 1975 8 मार्च को ये शुरुआत हुई, जब यूनाइटेड नेशंस ने भी डिक्लेयर किया था कि इंटरनेशनल वुमेंस डे। तब से हम लोगों के भी भारत में ये आधिकारिक शुरुआत हुई है। जितना मैं पढ़ सका इसके बारे में वहीं से ये कलेक्ट करके मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। हो सकता है कि कहीं अगर इसमें डेट्स के अंदर आगे पीछे हो गया हो तो मैं कैप्शंस में वो डाल दूंगा। टिल देन चलिए आइए दोस्तों, अब समय हो चुका है हम लोगों का भी कि हम लोग जल्दी से नीचे जाएं और जितना थोड़ा सा भी हम लोग जो आज अपनी मातृशक्ति के लिए या महिलाओं के लिए एक अपना आभार प्रकट कर सकते हैं एक समाज के नाते, उसकी एक छोटी सी रूपरेखा हम लोग तैयार करी है। चलिए दोस्तों, टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौड़। अनुरोध है तो दोस्तों देखिए पूरे सच दच के अब सभी पारिवारिक जो मातृशक्ति हैं, नारी शक्ति है, पहुंच चुकी हैं आज सम्मान में एक अलग। पूरे पुरुषों ने आप देख लीजिए अभी तक लगे हुए हैं बिल्कुल, कोई यूनिफॉर्म में है, कोई सीधा घर से आ गया है। और एक ही दिन साल में हमको मिलता है जब हम हमारे परिवार की स्त्रियों के लिए कुछ कर सके, जता सके। आपका क्या कहना है श्रीमती जी इस बारे में? मुस्कुरा दी है, हंस रही है, पर घर पे बहुत ज्यादा वो घर पे ही इतना खतरनाक तरीके से डांटती है और अभी आप देख लीजिए मुंह से एक शब्द निकल रहा है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इंटरनेशनल आज स्पेशल वुमेन्स डे पे? हाँ, बहुत अच्छा लगा आपने हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया मारवाड़ के द्वारा। नहीं, ये बहुत ऑनर है हमारे सब वुमेन्स के लिए। थैंक यू सो मच और थैंक्स। चलिए भाभी धन्यवाद। तो पहली तारीफ हमको मिल चुकी है सभी पुरुषों को और स्पेशली भाभी आपका मैसेज अंकुर को भेज दिया जाएगा। भाभी आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू भैया, आपने हमारे लिए सब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिनंदन जी आप सुन रहे हैं, देखिए भाभी आप लोगों के लिए और सबके लिए अच्छा लगा। चलिए तो देखिए वास्तव में और हमारी श्रीमती जी तो घर पे बताएंगे हमारी श्रीमती जी हमको। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि घर पे बताने का मतलब क्या होता है। ये अभी सेल्फी पॉइंट का डेमो अभी चल रहा है और अभी देख पा रहे हैं कि बाद में व्यवस्थाएं ठीक तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो अभी योगेश बिल्कुल, अरे शानदार बिल्कुल। योगेश कैसा फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ आज, पहली बार ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे सब गायब कर दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाभी आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में। तो आज क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पहले थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग बिना बताए इतना बड़ा सरप्राइज दिए। अरे वाह ये चीज। तो जी ये आपका मैसेज पुष्पराज जी को एकदम कन्वे कर दिया जाएगा बिल्कुल। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे सिंह भाभी? भैया वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आज एक चीज हम नोट कर रहे हैं, पता है आप सभी लोगों भाभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर अभी जो आपको बोलना है ना वो आप बहुत धीरे और कम बोल रहे हैं। मेरी वाइफ को पूछा तो वो कुछ नहीं बोली, मैंने बोल दिया कि मैंने कहा घर पे तो अलग माहौल चलता है बिल्कुल, पर नहीं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। आइए ये प्लांट के दो मुनीम साहब, सेक्रेटरी साहब, खजानची साहब मान लीजिए अभी कूपन अलॉटमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो करुण जी आप वुमेन्स डे के मौके पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि इस ये नारी शक्ति को शत शत प्रणाम है मेरी तरफ से और पूरे अंबुजा परिवार, अदानी परिवार की तरफ से। और आज का दिन जिस तरह से हम लोग इनको याद करते हैं, भगवान कर हम लोग रोज याद करें। आप करते हैं पर खुल के कह नहीं पा रहे, याद तो आप रोज करते हैं और नारी शक्ति को प्रणाम भी आप रोज करते हैं, साक्षात दंडवत होके करते हैं। तो चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। तो कूपन की देरी क्या है अभी? बस अभी स्टार्ट पहले रोज देंगे तो सरप्राइज रखा है, सरप्राइज एलिमेंट है। तो जितनी भी आज महिलाएं आएंगी सभी हस्बैंड अपनी धर्मपत्नियों को रोज दिए देंगे बिल्कुल। के मौके पर आज मारवाड़ कैफे की तरफ से हम लोगों ने ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करी है। स्पॉन्सर्ड मारवाड़ कैफे की तरफ से नहीं है बट सारी व्यवस्थाएं मारवाड़ कैफे की तरफ से है। तो क्या क्या व्यवस्था की है एम जी? एक ग्रिल, वेज ग्रिल सैंडविच है अपने पास और ये पाव भाजी है और नूडल्स है, चाउमीन। चलिए तो आज ये कह सकते हैं कि हाई लेवल का स्नैक्स है जो खाने को रिप्लेस करेगा। तो चलिए धन्यवाद, आशा है बहुत ही टेस्टी होगा। बाकी फीडबैक आपको प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी लोग भी देंगे, जरूर दीजिए। थैंक यू।
तो सर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो मैं इतना लकी हूँ आज मेरे दोनों साइड पे मेरा मेरे जो मेरे स्ट्रॉन्ग वुमन है मेरी करियर में मेरी लाइफ में मेरी मदर भी है इधर मेरी वाइफ है तो और विदाउट देखो कोई भी मैन हो आज की कंडीशन में कहीं पे भी हो किसी भी देश में रहता हो विदाउट वुमन वो कम्प्लीट हो ही नहीं सकता क्योंकि जन्म लेना है उसको माँ से और सब लोगों से अनुरोध है अपने बढ़ाया माँ ने संस्कार दिया कुर्सियों पे आकर बैठ जाए अंकर और जैसे वाइफ आती है तो एक लाइफ में नया चैप्टर शुरू होता है कि आदेश कैसे मानना है तो ये चीज वो सिखा देती है जो माँ के नहीं मानने वो बीवी के मानने पड़ते हैं तो वुमन बहुत कुछ सिखाती है बराबर और आदमी जैसे बच्चा होता है वो मैच्योर बनता है वुमन के साथ रह के होता है जो उसके पास स्किल आते हैं करके तो मैं बोलता हूँ कि विदाउट वुमन इट्स इम्पॉसिबल मैन टू सर्वाइव थैंक यू चलिए थैंक यू सर मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली आज के दिवस रोज आप कहते हैं मौका भी मिलता है पर आज हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सही है नहीं मैं सारी वुमन को यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को मीन्स अपने परिवार के लोगों को हेल्प करते हो उनकी सेवा करते हो लेकिन कहीं अपनी सेवा मीन्स अपने आपकी सेवा क्यों नहीं करते हो है ना अपनी हेल्थ के लिए आप क्यों कुछ नहीं करते हो आपकी हेल्थ हमेशा बिगड़ती रहती है हम कहाँ अपना ध्यान रखते हैं तो वो करें प्लस टेक्नोलॉजी में आप थोड़ा आगे आए और खुद आत्मनिर्भर बने जैसे पैसे है तो आप बैंक अकाउंट और वगैरह आप खुद अपना मीन्स ऑपरेट करना सीखे अभी आजकल क्या है कि हस्बैंड पे डाल देते हैं बच्चों पे डाल देते हैं कि वो उन लोगों को सब आता है ऐसा क्यों हम लोग अपने आप क्यों नहीं कर सकते कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी हमें भी सीखनी चाहिए हमें भी आगे आना चाहिए अपनी हेल्थ का अगर ध्यान रखेंगे तो हम अपने परिवार को हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार को कैसे स्वस्थ रखेंगे जैसे एक पेड़ होता है उसको पानी नहीं मिलता है तो वो सूख जाता है अगर पानी मिलेगा तो हम अपनी डालियों और फल फूल पे पानी दे पाएंगे बाकी नहीं होगा थैंक यू सो मच तो ये आप सभी लोगों ने देखा कि ये आज का संदेश है और पुरुषों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सर के नाते भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कंधे से कंधा मिला के हम पहले भी चल रहे थे और हमेशा आगे कंधे से कंधा मिला के ही चलेंगे बाकी जो सूक्ष्म बातें हैं उन पर और गौर करके पुरुषों को इम्प्रूव करने की जरूरत है बिल्कुल करेंगे थैंक यू सो गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग ये बात तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आज हम लोग यहाँ क्यों हैं कैसे हैं किसकी वजह से हैं तो हमारी जिंदगी में वुमन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है एक बच्चा अपने जन्म से लेके और अपनी जर्नी के अंत तक वुमन के बिना वो अधूरा है तो उसी वुमन को आज और एम्पावरमेंट देने के लिए उसको सशक्त करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं तो आज हमारे जीवन में जिन जिन महिलाओं का योगदान है उन महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आज के चीफ गेस्ट मैं मैडम से शुरू करूंगा मिसेस रावल और सर माताजी और मेरे दोस्तों भाभियों बच्चों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार तू हताश है तू खुद की खोज में निकल क्यों तू हताश है तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इसको वस्त्र तू ये बेड़िया निकाल के बना ले इसको शस्त्र तू चरित्र जब पवित्र है चरित्र जब पवित्र है तो क्यों ये है दशा तेरी ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी वुमेन्स डे पे आप सबका स्वागत है वुमेन्स का ही मौका है तो आज हमें भी मौका मिला है दो पंक्ति आप लोगों को समर्पित करने का नारी सरस्वती का रूप हो तुम नारी लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम बढ़ जाए जब अत्याचार नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम नारी खुशियों का संसार हो तुम नारी प्रेम का सागर हो तुम जो घर आंगन को रोशन करती नारी सूरज की सुनहरी किरण हो तुम
हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। और पुरुषों के लिए ये है कि हमारे जो कन्वेंशनल माइंडसेट में है ना, ये चीज जो वही करेगी, ये नहीं करते हैं। मतलब मैं प्राउड मानता हूँ कि हमारे घर पे क्या था कि हम दो ही भाई हैं, कोई बहन थी ही नहीं, तो मम्मी ने हमको ऐसा कभी ट्रीट किया ही नहीं है। हमारे पास सारे काम होते थे, और आज हमारे दोनों बेटे भी ऐसे हैं कि दोनों भाई बेटे हैं तो इसके यहाँ झगड़ा चलता है, लेकिन सी ट्रीट्स लाइक जैसे बेटी है। इंडिया भी ग्रो कर रहा है आज की डेट में, अपने पास पहले जैसा नहीं, आज से 20 साल से देखते हैं तो आज देखते हैं, और आज की जनरेशन में ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगले 20 साल के बाद कंट्री भी ऐसा डेवलप हो चुका होगा जहाँ पे आपके पास सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हुआ होगा। लेकिन अगर आप अपनी बेटियाँ जो है उस लेवल पे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आपको जो चेंज चाहिए ना अपने बेटों में, वो नहीं मिल पाएगा। रोटी पका भी रही हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना भी रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस को चला भी रही हैं, आज की नारी इतिहास बना रही है। तो इसी इतिहास को आगे बनाने के लिए हम आपके सामने एक छोटा सा गेम पेश करेंगे, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। जैसे आप सब लोग हर दिन हर रोज़ डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, लास्ट टाइम कब मिले थे, कौन से कपड़े पहने थे, कौन से रंग के कपड़े पहने थे, वो सब याद रखते हैं। आज उसी को फिर से एक बार टेस्ट करने का मौका है। हम आप लोगों के सामने एक गेम प्रस्तुत करेंगे जिसका नाम है मेमोरी गेम। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने साथियों से, अंकित और योगेश से, कि मंच पर आएं और इस गेम को खिलवाने में हमारी सपोर्ट करें। आप सब लोगों को हम एक पेपर देंगे और लिखने के लिए कलम, ये एक बार सब में बांट दीजिए। ये एक पिटारा है, इस पिटारे में से अलग अलग आइटम बाहर आएंगे, वो आपको इस तरीके से दिखाए जाएंगे। एक एक आइटम हम दिखाएंगे। ये रावल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि माता जी को और मैडम को, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो आप सभी के लिए मौका है अपनी अपनी बेटर आपको, आप आते रोजेस दें। फोटो खींचना पड़ेगा, गर्ग सोलंकी, आप सब लोग आगे आते रहे, इस मौके को खोए नहीं, आइए आइए। आप मेरी जिंदगी में आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी का माहौल था, फल था, और दो प्यारी बच्चियों को देने के लिए धन्यवाद आपका। वंडरफुल वंडरफुल। सर हे प्राणेश्वरी से शुरुआत करिए। तो बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव मेड माई लाइफ, एंड जस्ट अपना साथ हमेशा बना के रखना मेरे साथ। कोई भी आदमी जो मैं समझता हूँ कि हम जिस उम्र के जिस पड़ाव में हैं, एक हम 40 क्रॉस कर गए हैं, तो आदमी सफल कब माना जाता है? सफल तभी माना जाता है कि जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो वेल्थ, मतलब रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा उनका कोई टेक केयर कर रहा हो,
और दूसरा होता है सेम टाइम पे आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जो कि अब जैसे मेरा बेटा है तो बच्चों की आपकी टेक केयर हो, बच्चे आपके सेटल हो रहे हैं, और उस दोनों चीजों को तो मैं अपने आप को सफल मान रहा हूँ कि दोनों चीजें मेरे माँ बाप का बराबर ख्याल रख रही हैं। अगर मैं प्लांट में फंसा हुआ हूँ तो उसके बाद भी उनको कोई तकलीफ ना हो, उनकी डे टू डे उनको फोन करते रहना, उनसे बातचीत करते रहना, जो कि मैं नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल, तालियों से अभिनंदन, पकड़ा दो माइक हाथ में। वुमेंस डे पे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी वुमेंस को, और आप आए बाहर आई करूंगा ये वो अपने प्यार का इजहार इस मौके पर करें। और दो वर्ड तो इतना प्यार होते हो तो फिर दो माइक, दो प्यार में बोला ही नहीं जा रहा आज तो शब्द। हां अपने प्यार का इजहार करते हुए जिंदगी की हर परिस्थिति में मेरे साथ रहने के लिए मैं आपका खूब आभारी हूँ। तो धन्यवाद मेरे लाइफ में आने के लिए, आपने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी है, भगवान आपको बहुत। पापा मम्मी लाए थे, तुम बताओ क्या कर रहे थे। अरे वाह, प्यारे गुलाब के लिए एक प्यारा सा गुलाब, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू। एक ही गाना गाना चाहूंगा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हैप्पी मोमेंट्स डे, मैं दो लाइन गाना चाहूंगा, आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। थैंक यू सबको रिजेक्ट करके मुझे सेलेक्ट करने के लिए। जिस दिन जुदा हूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन जुदा हो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का। मैं तो आज धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं आदमी था जिन्होंने मुझे इंसान बनाया, शायद इनको मालूम नहीं। अरे मेरी जिंदगी को मटाने वाली है यही, वरना मैं तो था ही नहीं था, फिर आदमी था। मैं इनके लिए गाना गाना चाहूंगा, खुदा भी आसमां से जब जमी को देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। थैंक यू। एक शायरी बोलना चाहूँगा, वैसे तो मुझे आती नहीं है, याद भी नहीं रहती, पर ढूंढ के रखी है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए। पर एक स्त्री अकेली ही काफी है, पर एक स्त्री ही अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सबको नमस्कार, पंजाब और हिमाचल का मिलन आपको वैसे देखने से भी पता लग रहा होगा कि वो कहते हैं कि प्यार का इजहार क्यों नहीं करते, कि वो कहते हैं कि प्यार का इजहार क्यों नहीं करते, और हमने कहा जो लफ्जों में बयां हो सके हम इतना ही प्यार नहीं करते। हुजूर आपका एहतराम करता चलूं, शान सी महबूबा हो जैसी मैंने ऐसा सोचा था,
हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद अब पेट पूजा की बारी है, देख सकते हैं आप बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा आज का पूरा फंक्शन? बहुत अच्छा है उसके लिए। चलिए, टिल कीप वॉचिंग लाइव विदार। अरे दोस्त हैं, अरे यार अंकल सिकरवाल जी, बस ये हम लोग यहाँ पे वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। नीचे से, नीचे से ये है, कंधे से कंधे मिला के चलने वाला सिस्टम। फाइनली दोस्तों, अभी आज के ब्लॉग क्लोज करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको ये वीडियो लगा होगा, और जिंदगी में जिस नारी शक्ति की इम्पोर्टेंस हम सभी लोगों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए एक छोटा सा फंक्शन था। सो रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। टिल देन, कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौड़।